वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस ज़ैनब और आज मैं आपका उर्दू का लेक्चर लूँगी। रंग बिरंग की चिड़िया, इसकी आपने रीडिंग कर ली है, परिंदों की रंग बिरंगी दुनिया। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 15, 16, वर्कबुक का पेज नंबर 15 और 16। सवाल आज के जवाब बाद लिखिए, कौन सी चिड़ियों के नाम इनकी आदात और ज़ाहरी शक्ल और शोबाद के बना पर रखे गए हैं, वजह भी लिखिए। ऐनक चिड़िया, इनकी आंखों के गिर्द ऐनक की तरह हल्के होते हैं, मतलब ये जो ऐनक चिड़िया है ये इनका जो है वो नाम है, और इनकी इसकी वजह ये है कि इनकी जो आंखें होती है ना उसके गिर्द ऐनक की तरह के गोल गोल की तरह हल्के होते हैं। गुलखोरे, ये फूलों और फलों के रस पर जिंदा रहते हैं। तैराक चिड़िया, ये मुंजमित करने वाले पानी में भी तैर कर अपनी खुराक तलाश कर लेते हैं। मुंजमित मतलब जमाने वाले, मतलब सख्त जो ठंडा पानी होता है ना उसमें तैर के भी अपनी खुराक जो है वो तलाश कर लेती हैं। पतंगा, पतंगा ऐसा परिंदा है जो हशरात या मक्खियों को हवा से पकड़ कर खा जाता है। दर्जी चिड़िया, ये अपना घोंसला बनाने के लिए दो पत्तों को बड़ी महारत के साथ ही सी लेती हैं। अच्छा जी, ग्रुप में आपके ख्याल में परिंदे किस किस्म के खतरात का शिकार है, मतलब परिंदों को किन किन खतरात का जो है वो मसला, परिंदों को इन मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले परिंदे शिकार करने की वजह से खतरे का शिकार है, मतलब लोग जो हैं वो उनका बहुत तेज़ी के साथ शिकार करते हैं, और बदलते हुए मौसम की वजह से, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ जो परिंदे जो होते हैं वो मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी जो है वो डेथ हो जाती है, इसलिए इसकी वजह से वो खतरात का शिकार है मौसम के बदलने की वजह से। परिंदों की नस्ल बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, ठीक है, जिसमें परिंदे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों में ही रहते हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और परिंदों के शिकार को जो है वो रोका जाए, ताकि जो परिंदों के शिकार की वजह से परिंदों की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी वाकई हो रही है। अब ऐसे मालूम हमें लिखी है, परिंदों की अक्सा खसूसियत लिख कर जाल मुकम्मल कीजिए, मतलब हमने वो परिंदों की खसूसियत लिखनी है जो हर परिंदे में एक जैसी हो। रीढ़ की हड्डी सबकी होती है। चूँच, आपने देखा होगा हर परिंदे की चूँच होती है। संगेदाना, लंबी गर्दन, जो परिंदे होते हैं उनकी जो गर्दनें होती हैं वो लंबी होती हैं। सांस का दोहरा निज़ाम, परिंदों का जो सांस का निज़ाम होता है वो दोहरा होता है, मतलब वो डबल होता है। सर के पैरों पर मौजूद दो आंखें, सर की मुख्तसर हड्डी, दरमियान छोटे परों की मोटी तहें। ये आपने जो अपना काम है ये वर्कबुक के पेज नंबर 15 और 16 पे अच्छे से करना है। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।